अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी स्टोर। दोस्तों नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीपी बनाएं या फिर कोई ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या फिर कोई जो हमारा फेसबुक के इसकी डीपी के लिए कोई पिक्चर हो मुहर्रम के हवाले से। तो दोस्तों मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई आपने वीडियो को जस्ट पॉजिटिवली लेना है। ये जस्ट एक कंटेंट की हैसियत से मैं अपलोड कर रहा हूँ कि भाई हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीपी कैसे बना सकते हैं। जस्ट एक कंटेंट है और इसके अलावा और कुछ नहीं, ना ही मेरा इस तरह कोई मकसद है कि भी किसी ख़ास कम्युनिटी को जज्बात को मजरू करना। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और उसके हिसाब से मेरे लिए जिस कंटेंट की रिक्वेस्ट होती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस कंटेंट को लेकर आऊँ। दोस्तों इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो मैं आपको जस्ट ये सिंपल बताऊँगा कि भी मैं एक मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीपी हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों मुहर्रमुल हराम के लिए हमें डीपी बनानी है तो हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिस ऐप का नाम है मुहर्रम नेम डीपी। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने वहाँ से जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से भी ऐप आपको मिल जाएगी। इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आपने देख लेना है यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट डीपी, पहला ऑप्शन है क्रिएट डीपी। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे जो है डीपी के टेम्पलेट मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल ऐप है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने यहाँ से जौन सा आपको टेम्पलेट अच्छा लगे, जिस पिक्चर के ऊपर आप इस तरह की डीपी बनाना चाह रहे हैं तो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है वो वाली पिक्चर। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐड का इशू यहाँ पर मिलेगा, लेकिन खैर है, आपको कंप्रोमाइज़ करना है कि आपने डीपी बनानी है तो इनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। हम अपनी डीपी बना लेंगे, इनके ऐड सामने आएगी देख लेंगे तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और हमें हमारी डीपी मिल जाएगी। कॉर्नर में हमें ऑप्शन मिल जाता है कांटे का, तो इस कांटे के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी ऐड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर हमें आ जाएगा। सेंटर में लिखा हुआ है यूर नेम, इसको हम सेंटर में कर लेंगे, मज़ीद अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सेव डीपी और चेंज फॉन्ट। तो सेव डीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी, चेंज फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाता है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे तो यहाँ पर जो है हमने अपना नेम पुट करना है। मैं अपना नेम पुट कर लेता हूँ ताहिर वकास। नेम पुट करने के बाद उसको सबमिट नेम करेंगे तो इसके ऊपर नीचे हमारा नेम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमें मिल जाता है ऑप्शन चेंज फॉन्ट का, चेंज फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो दोस्तों बहुत सारे फॉन्ट हमें इसके ऊपर लगाने को मिल जाते हैं। मैं कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ और आप भी इसी तरह यहाँ से चेंज फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद कोई सा भी फॉन्ट अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इस फॉन्ट का रहने देता हूँ। यहाँ पर सेव डीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मज़ीद बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बैक आ जाएंगे। इसके बाद कोई और डीपी एक और मैं बना कर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जस्ट वही प्रोसेस है सिंपल कि आपने यहाँ से किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद ऐड देखनी है और कर्सर पर क्लिक करना है, कांटे के निशान पर उसे ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम पुट करना है। नेम पुट करने के बाद आपने यहाँ से उसका फॉन्ट सिलेक्ट करना है, अगर फॉन्ट ई वाला रहने दें। सबमिट नेम के ऊपर क्लिक करना है और फॉन्ट को आप कोई सा भी ले लें, ये वाला फॉन्ट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। और नेम को सेंटर में सेट कर देना है ऐसे। सेंटर में सेट करने के बाद सेव डीपी के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ऐप है और इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं अपनी डीपी बनाने के लिए। तो इस तरह आप अपनी डीपी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई पहाड़ पे चढ़ने वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। तो दोस्तों इसके साथ ही वीडियो पहुँचती है अख्ताम को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो पहले से पहले मिलती रहे। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पहुंचती है अख्ताम को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।